Hi everyone, welcome back to our channel. Just in case you are new to this video and to the channel, you might have missed our previous video, which we have already made for you about the work from home setup which we have here. So this is a sequel video to our previous video. कई लोगों ने कहा था कि उनको हमारा वर्कस्टेशन देखना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वर्कस्टेशन कैसा लगता है. हम लोगों ने ये प्लांट्स मंगाए हैं जो कि IKEA के हैं, और ये हमारे बुक्स हैं. इन जनरल सेटअप नॉर्मल जैसा सबका सेटअप होता है वैसे ही है. ये हमने कस्टम मेड डिज़ाइन करवाया था, डिज़ाइन हमने खुद किया था पर हमारे कारपेंटर से बनवाया था. आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ड्रॉर्स हैं, ये दो ड्रॉर्स हैं जहाँ पे हम जनरली लैपटॉप वगैरह क्लोज करके रख देते हैं, और ये नीचे का एक सेक्शन है. सो कमिंग बैक टू द मेन कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो को हम लोगों ने दो सेक्शन में डिवाइड किया है. फर्स्ट सेक्शन है उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिन प्रोडक्ट्स को हमने पहले वीडियो में कवर किया था, और हमने ऑलमोस्ट 1 ईयर यूसेज के बाद हमारा क्या फीडबैक है और रिव्यू है उस चीज को कवर करते हैं. तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे जस्ट पुराने वीडियो में, पहले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ये गिज़गा लैपटॉप स्टैंड, ये कीबोर्ड, ये माउस और हमारा वायर एक्सटेंशन जो इसके पीछे है, और ये एक लाइट. तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर एक्सटेंशन था, वो अब शिफ्ट करके मैंने पीछे कर दिया है, जिससे ये पूरा वायर का क्लटर्स है वो अब यहाँ पे दिखता नहीं है, बल्कि इसके पीछे पहुंच गया है, और लाइट को उसके भी पीछे शिफ्ट कर दिया है. तो एक तरीके से आप देख सकते हैं इसका यूटिलिटी कितना अच्छा है इस गिज़गा लैपटॉप स्टैंड का. आप पूरा जो एरिया है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद अपना लैपटॉप रख सकते हैं, तो पूरा क्लटर फ्री हो गया ये जोन. देन कमिंग बैक टू द माउस एंड द कीबोर्ड, सो नो इश्यूज विद दैट, दे आर परफेक्टली गुड. ऑलमोस्ट 1 ईयर में एक बार बैटरी चेंज करना पड़ा था, तो दैट्स ऑल अबाउट इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि क्या ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो नहीं, ये मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, और जिनको मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए वो उसको परचेज कर सकते हैं, दोनों ही परफेक्टली ओके हैं. ऑल्सो वन थिंग टू रिमाइंड, हमने पुराने वीडियो में कहा था ये चेयर मेड इन इंडिया है, जो कि हम करेक्ट करना चाहते हैं. हमें नहीं लगता है कि ये मेड इन इंडिया है, जस्ट द वेबसाइट ऑफ द कंपनी वॉज मेड इंडिया की वेबसाइट थी, तो हम लोगों ने ऐसा बोल दिया, हम लोगों को लगा कि ये मेड इन इंडिया, डिसीजन अपने हिसाब से ले सकता है. सो नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड सेगमेंट, हम लोगों ने जो नई चीज़ें परचेज की उनमें से सबसे पहली जो चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ वो है ये LG का अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 27-inch मॉनिटर. ये IPS पैनल मॉनिटर है, इसका पूरा नाम UL650 है, और आप देख सकते हैं ये 27-inch की स्क्रीन है, जो कि बहुत ईजी रहती है आइस पे रीडिंग के टाइम पे, और इसके विजुअल्स बहुत अच्छे आते हैं. इसके पहले मैंने एक और मॉनिटर परचेज किया था जो कि 180 पिक्सल था और VA पैनल था, पर मुझे उसका बिल्कुल भी विजुअल्स अच्छे नहीं लगे, तो इसलिए मैंने सर्च करने के बाद अमेजन पे फाइनली वी सेटल्ड फॉर दिस वन. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कम स्पेस लेता है ये, इसमें हाइड्रोलिक्स का भी ऑप्शन है, अप डाउन हो जाता है, सिर्फ इसमें टिल्ट नहीं होता ऐसे करके, टिल्ट नहीं होता है, पर आप इसको 90% रोटेट कर सकते हैं. और मैंने इसमें छोटा सा ट्वीक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रबर गैस्केट लगाई हुई है. ये हमारे पास पहले से रखी थी, पर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे एक्चुअली स्क्रैचेस बहुत आ रहे थे, ये लैपटॉप यहाँ रखते थे ऐसे करते थे, तो इसको लगा दिया जिससे ये थोड़ा सेफ हो जाता है, इस पर स्क्रैचेस नहीं आते. सो कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच वी हैव परचेज्ड इज दिस IKEA पैक बोर्ड. ये अभी हम लोग हैदराबाद गए थे, जिसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है हमने, उसका लिंक आप देख सकते हैं. तो वहां से हमने परचेज किया था, और उसके साथ में दो और आइटम्स, एक्चुअली 3 आइटम्स परचेज किए थे. ये एक कप होल्डर या फिर बॉक्स, और ये एक डॉक्यूमेंट्स होल्डर या फिर नोटबुक होल्डर है, और ये कुछ वायर्स हैं जो कि ऐसे एक्सटेंड होके यहाँ पे फिट हो जाते हैं. सो नेक्स्ट यू कैन सी दिस वॉच, ये एक स्टडी अलार्म वॉच है, ये हमने अमेजन से परचेज की. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है ये लैम्प, ये लैम्प भी हमने अमेजन से परचेज किया था. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना अच्छा फिट हो रहा है हमारे एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ, और इसमें दो टाइप की लाइट है एक्चुअली. ये मेन लाइट है जो कि रीडिंग पर्पस के लिए और काम करने के लिए है, सेकंड लाइट है जो कि नाइट लैंप की तरह भी काम कर सकती है, उसमें 6 कलर्स आते हैं. So coming to the next product which we have purchased is this desk pad, and this is 2 colors. You can rotate this and this will become yellow color, और generally blue color भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसमें. और इसका खासियत आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट सेक्शन नहीं है जिसके आप ऊपर से माउस चला रहे हैं, बल्कि आप पूरे सेगमेंट में कहीं पे भी माउस रख सकते हैं, और इवन आपका डेस्क स्क्रैच फ्री रहता है और कम्प्लीटली क्लियर रहता है. और एक
सेगमेंट भी लगता है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि बहुत काम आता है जनरली आप जब स्टडी करते हैं लॉन्ग सेशंस में बैठते हैं, वो एक वाटर बोतल। तो ये बोरोसिल की वाटर बोतल है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एज यूजुअल। ओके, देन सम ऑफ द न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स विच वी हैव परचेस्ड। उसमें से सबसे पहले बात करते हैं हम माइक्रोमैक्स के ईयरबड्स की। ये माइक्रोमैक्स एयर फंक 1 प्रो है और मुझे अभी तक इसमें कोई भी इशू नहीं आया। इसके प्राइस के कंपैरिजन में ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है, सबसे बेस्ट है और मैं इसके में मीटिंग्स भी अटेंड कर लेता हूँ। वॉइस में इतना ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं आता है, पर हम लोगों ने इसको ट्रायल किया है हमारे टीवी के साथ में भी, जिसमें डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है वहां पे सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, तो आप वो चीज भी कंसिडर कर सकते हैं इसको चूज करते समय। सेकेंड पॉइंट इज एट ए टाइम सिर्फ एक ही डिवाइस से कनेक्ट हो पाता है। आपको अगर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना है तो पहले से डिस्कनेक्ट करके दूसरे पे डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, सो दैट इज वन इशू। बट एनीवेज इट्स अ गुड प्रोडक्ट, यू कैन गो फॉर इट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है M1 MacBook Air। ये 2021 का प्रोडक्ट है और 16GB की रैम है इसमें। जनरली आपको मार्केट में जो नॉर्मली प्रोडक्ट दिखता है उसमें 8GB की रैम होती है, हम लोगों ने एक्स्ट्रा जीबी की रैम एप्पल के वेबसाइट से डायरेक्टली मंगाई थी। सो वन मोर थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, यहाँ पे कई लोगों के मन में डाउट आता है एप्पल ने फैन हटा दिया है तो क्या ये कोई हीटिंग प्रॉब्लम आता है, हीटिंग इश्यूज आते हैं, तो मुझे अभी तक कोई भी इश्यूज नहीं आया है और बैटरी लाइफ भी गुड इनफ है। इसके अलावा इसके सेफ्टी के लिए और ट्रेवल पर्पज के लिए हमने एक स्लीव परचेज किया था, ये देख सकते हैं इसके साइज का मिलता है आपको। तो या इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है ये iPhone 12। मुझे वैसे भी एक नए मोबाइल पे स्विच करना था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको परचेज करने, क्योंकि iPhone 12 इस समय पे बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। और आप देख सकते हैं इसके साथ में मैंने इसका एक कवर भी लिया था, सो दैट्स इट। इसमें ज़्यादा कुछ कवर करने का है नहीं, इसके रिव्यूज आपको बहुत मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो कि है रेजोनेट का राउटर UPS। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि राउटर UPS जनरली पावर कट हो जाता है उस समय पे भी पावर बैकअप देने के लिए यूज होता है, एक छोटा UPS तरीके से मान लीजिए। इसका भी वीडियो हम लोगों ने बनाया है जिसकी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका जनरली मैं फीडबैक देना चाहता हूँ, इसको अब एक साल हो चुका है तो इसका वारंटी भी एक साल का था और ये ऑलमोस्ट एक साल के बाद इसका बैटरी डाइड हो गया, तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक और नया परचेज किया है। इसमें और कोई इश्यूज नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है। वन लास्ट प्रोडक्ट जो कि है वो सिस्टो 600 का UPS। ये भी हमें परचेज करना पड़ा था, पहले इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि सिर्फ लैपटॉप था और लैपटॉप की बैटरी से काम चल जाता था, पर अब क्योंकि हम लोगों ने ये मॉनिटर ले लिया है तो LCD मॉनिटर को सपोर्ट करने के लिए जब लाइट चली जाती है हमको एक UPS की जरूरत थी, तो हम लोगों ने ये छोटा सा UPS खरीदा है जो कि नीचे से इसका वायर जाता है यहाँ से और ये हमारे पूरे सेटअप को सपोर्ट कर देता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट्स कवर किए। आप लोगों को जैसे भी लगे हो आप उसके सजेशंस हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। कीप वॉचिंग आर वीडियोस। टाटा, बाय बाय।